नमस्कार दोस्तों, आयुषी स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं क्लास एट का मैथ अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल प्रश्नावली 5.2 क्वेश्चन नंबर 7 है। 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। तो आइए देखते हैं 6 अंकों की, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा जी? 6 बार 9 9 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 9,99,999 हो जाएगा। ठीक है, उसका वर्गमूल निकालेंगे जो अलग आएंगे। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले 99 है, 99 को सॉल्व करेंगे तो किसी के उसका 99 नहीं आता है तो छोटा संख्या लाएंगे तो 9 9 रख लेंगे। 9 में 9 से गुणा 81 हो जाएगा। ठीक है, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 8 गया 1, यहाँ 2 9 है तो 1 9 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, 9 9 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। तो 9 9 उतरेगा तो कितना हो जाएगा? 1,899 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 9 9 रख लेंगे तो 9 9 81, 9 8 72, 8 80, 9 1 9 8 17 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 9 है, 1 9 यहाँ लिख देंगे। 9 में से 1 गया 8, 9 में से 0 गया 9, 8 में से 7 गया 1, 1 1 कट जाएगा। 189 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 198। ठीक है, 9 9 लिखेंगे तो 19,899 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 9 9 रख लेंगे, 9 में 9 से गुणा, 9 9 81, 9 8 72, 8 80, 9 9 81, 81 8 89 हो जाएगा, 1 9 8 17। यहाँ 2 9 है तो यहाँ 1 9 लिख देंगे, यानी 9 में से 1 गया 8, 9 में से 0 गया 9, 18 में से 9 गया 9। ठीक है, 8 में से 7 गया 1, 1 1 कट जाएगा। ये जोड़ेंगे 1,989 में 9 तो क्या हो जाएगा जी? 1,998 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए बड़ी से बड़ी संख्या बराबर, इसीलिए बड़ी से बड़ी संख्या बराबर क्या करें जी? 9,99,999 में से, ठीक है, 1,998 घटाएंगे। ठीक है, तो 9,99,999 में से 1,998 घटाएंगे तो 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0। ठीक है, 9 में से 9 गया 0 हो जाएगा और 9 में से 1 गया 8 हो जाएगा, यानी 9,98,001 हो जाएगा जी। ठीक है, तो 9,98,001 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में है कि संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। तो संख्या का वर्गमूल जो आया है पूर्ण वर्ग संख्या, उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो 9,98,001, ठीक है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो जो लगाएंगे तो किसी के स्क्वायर में 99 नहीं आता है तो उससे छोटा संख्या लाएंगे तो 9 9 रख लेंगे। ठीक है, 9 में 9 से गुणा 81 हो जाएगा, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 8 गया 1, एक जोड़ेंगे 9 9 तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उतरेगा 80 तो कितना हो जाएगा? 1,880 हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ एक नौ नौ रख लेंगे, नौ में नौ से गुणा, 81 के 1, 9 8 72, 72 8 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 1 9 8 कितना हो जाएगा जी, 17 हो जाएगा। 10 में से गया 9, यहाँ कितना हो जाएगा जी, 7 बचेगा, 8 में 7 गया 1, 1 1 कट जाएगा, 189 में जोड़ेंगे 9 तो कितना हो जाएगा, 198 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उतरेगा 0, फिर यहाँ 9 9 रख लेंगे, 9 9 से 9 9 81, 9 8 72 8, 80 9 9 81, 81 8 89 हो जाएगा, 9 1 9 8 17, 1 1 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 9 9 कट गया, 7 7 और 1 1 भी कट गया। ठीक है, 1989 में जोड़ेंगे 9 तो कितना हो जाएगा, 1998 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए 9,98,001 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 999 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, प्राप्त वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा 9,999। इसका वर्गमूल निकालेंगे 9,999 का। ठीक है, जो लगाएंगे यहाँ कितना है जी, 99 है, किसी के स्क्वायर में 99 नहीं आता है। ठीक है, तो उससे छोटी संख्या लाएंगे तो 9 9 रखेंगे, 9 में 9 से गुणा, 81 हो जाएगा, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 8 गया 1, 9 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 9 9 लिखेंगे, 1,899 हो जाएगा, फिर यहाँ 9 9 रखेंगे तो 9 नवा 81, 9 8 72 8 80, 9 8 70 है, 9 9 81, 9 8 72 8 80, 1 9 8 17 है, 9 में से गया 8, 9 में 0 गया 9, 8 में 7 गया 1 1 1 कट जाएगा, 189 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 198। ठीक है, इसीलिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बराबर क्या होगा जी, 9,999 में से शेषफल कितना आया जी, 198 आया है शेषफल, इसको घटा लेंगे। ठीक है जी, आइए घटा कर देख लेते हैं, 9,999 में से शेषफल आया 198, 198 घटाएंगे तो 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया 8, 9 यानी 9,008 सही हो जाएगा। ठीक है जी, 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 9,008 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में है, प्राप्त वर्ग संख्या का वर्गमूल भी याद कीजिए। ठीक है, तो 9,801 का वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, किसी के स्क्वायर में 98 नहीं आता है तो 9 9 रख लेंगे, 9 9 81 हो जाएगा, 8 में से गया 7, 9 में से 8 गया 1, 9 9 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। ठीक है जी, तो 0 1 उतरेगा तो हो जाएगा 1,007 सही, फिर यहाँ 9 9 रख लेंगे,
नौ में 9 से 9, 9 9 81, 9 8 72 है 8, 80 के 0 1 9 8 कितना हो जाएगा 17। एक एक कट गया, धीरे धीरे कट जाएगा, 7 7 कट जाएगा और एक भी कट जाएगा। 189 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 198, ठीक है। इसीलिए 9801 का वर्गमूल हो जाएगा 99, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक या सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।